क्योंकि सब कुछ फिटेन हो गया इधर का, झंझार से लाइट आएगा यहाँ। अच्छा, तो आइए दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आ गए आपको लौखार रेलवे स्टेशन, जो हाल ही फिलहाल में अब यहाँ पे उद्घाटन होने वाला है और ट्रेन की परिचालन शुरू होने वाला है। तो आज हम इसी का एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ के बारे में टोटल चीज़ दिखाएंगे, कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है और कैसा काम हुआ है, तो सारे चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो मार्केट से इधर से आने की रास्ता है और ये सामने में आपको बड़ा सा कंपास जो आपको खुला हुआ दिख रहा है और सामने में ये आपको सीढ़ी स्टेशन के परिसर में स्टेशन के प्लेटफार्म पे एंट्री करने वाली है और वहाँ से एक सीढ़ी बनाया गया कि यहाँ पे ये सीढ़ी बनाया गया जो इसके थ्रू आप चढ़ के नहीं आ सकते हैं, तो ये आपको जो भी सामान है उसको आप आसानी से स्टेशन के परिसर में ला सकते हैं। और ये सामने में देख सकते हैं वेटिंग हॉल और यहाँ पे टिकट काउंटर। भैया आप लोग टिकट काउंटर है, टिकट काट रहे हैं क्या? भैया लोग यहाँ पे अभी टिकट काउंटर के अंदर बैठ के कुछ समय पास कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अरे वाह भैया गेम खेल रहे हैं। कहाँ से भैया? लौखा से। वैसे घूमने आए हैं? तो ये है स्टेशन परिसर का टिकट काउंटर, यहाँ पे जस्ट एंट्री करेंगे तो देखने को मिलेगा और सामने में दो टॉयलेट जैसे हम लोग खुटुना में देखे थे। तो कुछ अभी ये हाल है, साफ सफाई का देख सकते हैं। और इधर आपको रूम और इधर भी रूम, तो इधर जो भी आपको स्टेशन मास्टर का सामान वामान है या जो भी स्टेशन परिसर का मशीन सब आता है टोटल वहाँ की बिल्डिंग में आपको आ जाएगा। और ये हम आ गए आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, ये रही एक नंबर प्लेटफॉर्म, देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर प्लेटफॉर्म की ये पटरी, ये बीच में लूप लाइन और वो दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म और उधर तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म। तो ये है आपको लौखा स्टेशन और सामने में एक बड़ा सा ब्रिज जो कि आपको दो नंबर प्लेटफॉर्म से एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बनाया गया है। तो क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब आपको लगभग 7 से 8 दिन बचा है ट्रेन का परिचालन शुरू होने में और अभी स्टेशन परिसर का ये हाल है। तो हमें लगता है कि अभी भी कुछ काम है ऐसा जो स्टेशन का बचा हुआ है, क्योंकि परिसर भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है और हाल ही फिलहाल में सारा काम हो ही रहा है। यहाँ पर जो भी काम हमको दिख रहा है टोटल न्यू अपडेट है, नया ही काम हुआ है, उतना पुराना काम नहीं दिख रहा है। तो लगता है कि हमको काम कम्प्लीट हो जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचा रहेगा काम यहाँ का। आप लोग वर्कर है कि काम बाहर से घूमने आए हैं? बाहर घूमने आए हैं। तो भैया लोग यहाँ पे बाहर से घूमने के लिए आए हैं स्टेशन परिसर को, तो भैया लोग से बात करेंगे। तो आप लोग बताइए कि स्टेशन का काम लगभग ट्रेन परिचालन से पहले शुरू हो जाएगा? हो जाएगा। लग रहा है जितना काम बचा हुआ है हो जाएगा शुरू? हो जाएगा। अच्छा, तो ये ट्रेन परिचालन से आप लोग की खुशी मन में? बहुत खुशी। तो यहाँ पे वही लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए और हम भी आए हैं आप लोग को घुमाने के लिए। और यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा के बाद, हाँ, तो 17 तारीख का डेट अनाउंस है यहाँ पे ट्रेन परिचालन शुरू होने का। तो 17 तारीख को देखा जाएगा कि ट्रेन शुरू होता है कि नहीं होता है। और ब्रिज का काम अभी लगता है कि बहुत बचा हुआ है, तो ये देख सकते हैं सामने में ब्रिज है और ब्रिज का काम लगभग में बचा हुआ है, इसलिए जो अभी इस पर आपको पत्थर ही लग रहा है, जो भी सीढ़ी का पत्थर होता है ना ये लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये सब अभी लग ही रहा है, यहाँ पे ये सब लग ही रहा है और ऊपर वाला में भी लगना बाकी, ये सब में भी लगना अभी बाकी है, उधर तो लगा भी नहीं है। तो लगभग इसमें अभी टाइम लगेगा। आप लोग घूमने आए हैं कि वर्कर है? नहीं, काम करने वाले। सीढ़ी वाला काम लगभग में कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? सीढ़ी वाले आप लोग कौन सा काम यहाँ पे अभी कर रहे हैं? हम लोग ये इसको फाउंडेशन चालू कर रहे हैं, गेट को बना रहे हैं। अच्छा, ये वाले को ग्रेलिंग को? हाँ, रेलिंग बना रहे हैं। हाँ, ये सर लोग यहाँ पे रेलिंग वाला काम करते हैं। लगभग में ये ट्रेन परिचालन ये 17 तारीख को बोल रहा है कि चालू कर, चालू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सब कुछ फिटेन हो गया इधर का, झंझार से लाइट आएगा यहाँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात, यहाँ पे ये लोग अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, 17 से पहले हो जाएगा कम्प्लीट वाला काम हो जाए। चलिए, तो यही उम्मीद है हम लोग को भी, यहाँ पे काम कम्प्लीट हो जाए तो बहुत ही जल्दी हम लोग को भी सेवा मिल जाएगा और आसानी हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो ये देख सकते हैं उस साइड का तो काम शुरू हो गया, उस साइड का काम तो कंप्लीट हो गया था और इधर का काम रेलिंग वाला बचा हुआ है जो आज यहाँ पे अभी काम चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी काम चल रहा है और जगह जगह सामान रखा हुआ है। तो आ जाइए प्लेटफार्म नंबर 3 पे और यहाँ का अपडेट ये ऐसा है कि प्लेटफार्म नंबर 3 का भी काम बहुत बचा हुआ है,
तो इस काम में अभी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे दो प्लेटफार्म लगभग में तैयार है, एक लूप लाइन और एक नंबर प्लेटफार्म। तो ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है, क्योंकि एक ही ट्रेन एक बार में आएंगे, फिर वो जाएंगे, फिर वो आएंगे, फिर वो जाएंगे, तो लगभग शायद यहाँ पे दो ट्रेनें मिलेगी, तो दो ट्रेन अप डाउन में ही टाइम बीत जाएगा। तो कहीं खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा भी प्लेटफार्म की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो फिलहाल ये अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्लेटफार्म को फिर से नए तरीके से थोड़ा सा इसका हाइट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे नया बालू डाल के नया सा हाइट इसको बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो फिलहाल यहाँ का ये अपडेट है, अब फिर से हम मिलते हैं एक नए जगह नए वीडियो लेके। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिए, और कुछ भी ऐसा लगे तो हम लोग को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका पूरी चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।